जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपके डाउट्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं, कमेंट आए हुए हैं कि सर मेडिकल कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सर फिजिकल कब तक खत्म होंगे। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके मैंने लेकर आया हूँ और इसके आंसर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, फिजिकल कब तक चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि सब कुछ सही चला, बारिश की वजह से पोस्टपोन नहीं हुआ, तो आपके फिजिकल 15-17 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, 15-17 अगस्त तक आपके फिजिकल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो मेडिकल के लिए मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो मेडिकल के मेरिट लिस्ट में आपको बता दूं कि यदि आपके फिजिकल 15-17 अगस्त तक खत्म हो जाते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। राइट है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेडिकल के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मेडिकल के लिए उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे जितने की आपकी पोस्ट है, उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे जितने की आपकी पोस्ट है। तो आपका यदि डाउट हो सकता है कि सर मेडिकल में जो अनफिट होंगे वो बाहर निकलेंगे, तो फिर क्या, वो तो पोस्ट खाली रह जाएगी। तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि 10% कैंडिडेट अलग से रिजर्व रखे जाएंगे। यदि कोई मेडिकल में अनफिट होता है तो जो 10% कैंडिडेट को, उसमें कुछ कैंडिडेट को जिनके टॉप नंबर है उनको शामिल कर लिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरिट के लिए कितने नंबर सेफ हैं। इसका आंसर तो मैं पहले ही आपको दे चुका हूं अपनी कट ऑफ वाली वीडियो में। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है कि आपके इतने नंबर तो आप 100% श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट और क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो मेडिकल कब और कहां और कैसे होगा। देखो ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से मेरे पास पूछा गया है, तो मैं आपके ये वाले क्वेश्चन को मैं आपको आंसर दे देता हूं कि मेडिकल कहाँ होंगे। सबसे पहले तो मेडिकल कहाँ होंगे, तो मैं आपको बता दूं मेडिकल आपके दिल्ली में ही कंडक्ट किए जाएंगे। देखो ये जब आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा होगा कॉन्स्टेबल वाला, तो उसमें नोटिफिकेशन साफ लिखा होगा कि आपके मेडिकल और फिजिकल दोनों ही दिल्ली में कंडक्ट कराए जाएंगे। राइट है, दिल्ली में कहाँ कंडक्ट कराए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो शॉर्टलिस्टेड में मेडिकल की जो लिस्ट में नाम आएगा उसमें आपको हॉस्पिटल दे दी जाएगी, उसी हॉस्पिटल में आपको अपना मेडिकल करवाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कब होगा। तो कब की बात करें तो जैसे ही अब मैं बता दूं, जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट होगा ना, जैसे मान के चलते हैं 17 तारीख का आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया, तो आपकी मेरिट लिस्ट कब आ गई, मान के चलो कि अगस्त के लास्ट वीक तक आ गई। तो जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके 20-25 दिन के अंदर आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब कैसे होगा, तो कैसे की बात करें तो सर मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का मेडिकल है ना, बहुत नॉर्मल होता है। ये मेडिकल कोई आर्मी के जैसा नहीं होता है, बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। यदि आप नॉर्मल फिट हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट इसके बाद भी यदि आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक पूरी फुल एनालिसिस के साथ मेडिकल की वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।